अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको हम देखते हैं। महासर्वे का महारिजल्ट यहाँ देखिए। तो दोस्तों हमने YouTube चैनल के माध्यम से एक सर्वे किया था, तो दोस्तों उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ये दोस्तों सर्वे क्या किया गया था, इसमें पूछा गया था आपसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका कितना गुणांक बन रहा है। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया था 70 से कम में 23% बच्चे थे, 5,000 बच्चों ने वोट्स किया था। देखिए 5.1 बच्चे मतलब 1 के मतलब 5100 बच्चों ने कमेंट्स किया था इसका और वोटिंग की थी। उसके बाद दोस्तों 65 से कम जो छात्रों के गुणांक थे वो 37% और देखिए 60 से कम में ठीक है आपके 18% और 70 से अधिक आपके 22%। जरा एक बात को हम समझेंगे कि दोस्तों आपका सेफ गुणांक बनेगा कैसे। अगर दोस्तों इसको हम 100 बच्चों में कन्वर्ट कर दें तो 100 बच्चों में दोस्तों ये जो आपका ओपिनियन आया है इसके अनुसार देखिए 22 बच्चे ऐसे होंगे जो 70 से अधिक गुणांक पर होंगे। उसके बाद जरा देखिए 70 से कम और 65 से अधिक में 23 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो 70 से कम और 65 से अधिक हैं। ठीक है, तो मतलब दोस्तों 22 और 23 को हम जोड़ ले तो 100 में से 45 बच्चे ऐसे हैं जो 65 से अधिक गुणांक पर 69,000 शिक्षक भर्ती में है। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसको दोस्तों हम और अच्छे से एनालाइज करते हैं इस वीडियो में। इसके बाद इस समय एक और अपडेट तो आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो टोटल पंजीकृत बच्चे थे 4,31,466, जिसमें से सम्मिलित हुए बच्चे 4,09,530 और उत्तीर्ण बच्चों की संख्या है 1,46,060 बच्चे। ठीक है ना, वो वैसे आपने काफी पहले दोस्तों ये खबर आपने सुन ली होगी। तो जरा दोस्तों हम आपका सेफ गुणांक बनाते हैं कि क्या होगा 69,000 भर्ती में। यहाँ पर दोस्तों 22% की बात है, तो मतलब 22% हम नहीं लेके 20% मानते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक बात क्लियर करेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 छात्र दोस्तों आपके ऐसे होंगे जो 70+ गुणांक पर है। ठीक है ना, 70 से ऊपर गुणांक बनाने वाले छात्रों की संख्या 20,000 से अधिक हो सकती है। उसमें दोस्तों आपके शिक्षा मित्र भी होंगे, देखिए डेफिनेटली 8,000 शिक्षा मित्र हो जाएंगे आपके, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों 20,000 से अधिक छात्रों की संख्या बनेगी कैसे, 8,000 से अधिक आपके शिक्षा मित्र होंगे, बाकी दोस्तों 12,000 डीएलएड और बीएड के छात्र मिलकर होंगे। तो मतलब दोस्तों आप एक चीज समझ गए होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती से तकरीबन ये मानकर चलिए आप लोग कि 50,000 सीटें ही आपके पास बचेंगी, बाकी दोस्तों बाकी की जो सीटें होंगी उस पर आपके 70 से ऊपर गुणांक पाने वाले छात्रों का कब्जा हो जाएगा। मतलब आपके पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड होने वाली है, इतना आसान नहीं होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाना। और कुछ चीजें और आपको बता दें, फेल छात्रों का क्या होगा दोस्तों, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी अपडेट है कि सभी छात्रों को 3 अंक कॉमन या फ्री का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबको मिल भी चुका है। देखिए ये जो 3 नंबर सबको कॉमन दिया गया ना, उसी की वजह से दोस्तों जो ये आपका रिजल्ट में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है ना, उसका दोस्तों एक बहुत ही अहम कारण ये भी था। ठीक है, आपको भले लगता हो नहीं यार ऐसा नहीं हुआ होगा, 1,46,000 से अधिक बच्चे पास होना इतना आसान नहीं था 69,000 भर्ती में, लेकिन दोस्तों 3 अंक का गुणांक, ठीक है मतलब 3 अंक का कॉमन नंबर गुणांक तो अलग चीज है। और यहाँ से दोस्तों डाउनलोड करें रिजल्ट। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में लिंक देंगे इस वीडियो को देखने के बाद, उसको आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे और सेफ गुणांक को लेकर दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सेफ गुणांक आपको हर एक कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों कि क्या जनरल कैटेगरी की सभी सीटें ओबीसी एससी और एसटी वाले ले जाएंगे। अब दोस्तों ओबीसी वाले बच्चे कैसे ले जा सकते, जरा इसको हम देखते हैं। ओबीसी में पास होने वाले छात्रों की तादाद 284,868 है, जबकि दोस्तों जनरल में जो छात्र पास हो रहे 36,614। अगर आप सोचिए दोस्तों, अगर ओबीसी के बच्चे सिर्फ ओबीसी में ही नौकरी पाए तो जनरल के दोस्तों तकरीबन सभी बच्चों की नौकरी लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ना 51 और 49% का दोस्तों हमारा रेशियो चलता है, तो 51% में 69,000 का अगर 50% भी निकालेंगे तो आधी सीटें होंगी, तो तकरीबन सभी छात्रों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें दोस्तों काफी छात्र ओबीसी के एससी के और एसटी के नौकरी ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे इसको जरा हम आपको डिफाइन करते हैं। देखिए ओबीसी के दोस्तों जो भी छात्र होंगे जो सुपर टेट में दोस्तों 100 नंबर 105 नंबर बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी लाए होंगे या 97+ होंगे। देखिए एक बात और आपको यहाँ पर डिफाइन हम यहाँ करना जरूरी होता है कि देखिए जो छात्र एक बार दोस्तों आरक्षण का यूज कर लेता है, जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपने एक बार ओबीसी कैटेगरी का यूज कर लिया, आरक्षण का फायदा उठाया, उसके बाद दोस्तों आप जनरल कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते। लेकिन देखिए जनरल कैटेगरी की सीट लेता कौन है, ये बात आपको समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी दोस्तों पेपर होता है, ओबीसी एससी और एसटी के छात्र जनरल में जाकर नौकरी ले लेते हैं, तो दोस्तों वो छात्र जो होते हैं वो होते हैं टॉपर। ठीक है ना, तो डेफिनेटली दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी छात्र ओबीसी एससी और एसटी के टॉपर्स होंगे वो जनरल में जाकर फाइट करेंगे और जनरल की सीट्स को ले लेंगे, तो बहुत आसानी से लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ,
जो छात्र एक बार अपने आरक्षण का यूज कर लेगा, जैसे दोस्तों आरक्षण में आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपने आरक्षण में एज लिमिट का फायदा उठाया, जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 साल से लेकर 40 साल तक के छात्रों को भाई वैलिड था, कितने छात्र तक आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एज 40 से ऊपर जाती, कभी कभी दोस्तों आपको ओबीसी में 3 साल और एससी और एसटी में दोस्तों आपके 5 साल का फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं आपने पहले से ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं और आपने एज लिमिट का फायदा उठाया है, तो आप दोस्तों उसके बाद जो आपको नौकरी मिलेगी ना वो ओबीसी में ही मिलेगी, फिर आप जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल की दोस्तों सभी सीटें ओबीसी और एससी और एसटी वाले नहीं ले जा पाएंगे, कुछ सीटें लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी में बहुत से ऐसे बच्चे टॉपर्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो सकता है सुपर टेट में 110 नंबर लाए होंगे, 120 नंबर तक भी लाए हो ओबीसी कैटेगरी से, हो सकता है दोस्तों 97 भी लाए हो। ठीक है, 97 से कम करने पर आप एक बार समझते हैं यहाँ पर, अगर आपके दोस्तों 96 नंबर आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के आप छात्र हैं, तभी दोस्तों आप पास, आपके आगे रिजल्ट क्लिक किया जाएगा, आगे पास लिखा होगा। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के छात्र और 96 है तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मतलब साफ है कि अगर ओबीसी का कोई बंदा है जो 96 नंबर ला रहा है, तो वो अपने आरक्षण का यूज करके 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हो रहा है, तो फिर वो दोस्तों जनरल की सीट हो सकता है कि उसको ना मिले। अभी देखिए इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति एक जारी होगी आरक्षण को लेकर, उसके अपडेट्स भी हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों ये नियम है, अभी तक और भी भर्तियों में दोस्तों ये नियम लागू होता है। आपको बता दें पहले काउंसलिंग के लिए आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उसको जरा एक बार देख लीजिए। एक तो आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का लिखित प्रवेश पत्र की जरूरत पड़ेगी, सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2019 का आवेदन पत्र और चालान लगेगा, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक का दोस्तों आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र मतलब ग्रेजुएशन में बीटीसी बीएड या डीएड के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लगेंगे, यूपीटेट या सीटेट प्राथमिक स्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, शपथ पत्र लगेगा, शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट। इतनी चीजें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज ना हो तो आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। ठीक है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपका। सबसे पहले दोस्तों आपका आरक्षण, जिसको हम बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों आप लोग ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, तो आपके पास आरक्षण सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आप जनरल में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो जनरल के छात्र परेशानियां ना हो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दिया कि जनरल की सभी सीटें ओबीसी एससी और एसटी वाले नहीं ले जा सकते, कुछ सीटें लेकर जाएंगे। और आपको पता होगा इस समय सोशल मीडिया पर दोस्तों डीएलएड वर्सेस बीएड का घमासान चल रहा है। डीएलएड के छात्र दोस्तों परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब अगर यहाँ पर बीएड ना आया होता तो दोस्तों सारी सीट्स डीएलएड के हाथ में होती, क्योंकि आप यहाँ देखिए दोस्तों जो साफ साफ आपका रिजल्ट है उसमें आप देख रहे होंगे जो डीएलएड में छात्रों की संख्या पास होने वाली वो 38,000 है, बीएड के छात्रों की पास होने की तादाद 97,368 है। अगर दोस्तों यहाँ पर बीएड ना आया होता, मान लेते एंट्री ना करता बीएड, तो दोस्तों डीएलएड के सभी छात्रों की नौकरी मतलब होता ना रखी रहती, डीएलएड करके आप जाइए नौकरी लीजिए। लेकिन दोस्तों बीएड के आने से डीएलएड के छात्रों को नौकरी करना या पाना आसान नहीं होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन फिलहाल एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर बीएड किसी भी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, मामला दोस्तों डबल बेंच में गया था, कोर्ट में गया था, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब दोस्तों ये सब बातें करना कि बीएड बाहर होगा तो ये एक गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब जरा हम एक बार आपको सिर्फ गुणांक बता देते हैं जो आप याद रखिएगा, समझ के रखिएगा। जनरल में दोस्तों पहले दोस्तों हम ओबीसी कैटेगरी एससी और एसटी की बात करेंगे। देखिए सभी की अलग अलग सेफ गुणांक जाएगा, तो मान के चलते हैं दोस्तों अगर जनरल में जो सेफ गुणांक जाएगा वो थोड़ा हाई जा सकता है। उसका रीजन क्या है कि कुछ बच्चे ओबीसी एससी और एसटी से स्वैप करके या ओवरलैप करके दोस्तों मतलब जनरल की सीट्स लेंगे, तो जनरल की दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग कट ऑफ होगी या गुणांक होगा दोस्तों वो 65 से ही शुरू होगा। उसका रीजन हम आपको बता दें, जो हमने दोस्तों आपके साथ सर्वे किया था, आपने खुद कमेंट किया, हमने नहीं किया, फिर से हम क्लियर करेंगे। ये सब दोस्तों कमेंट सर्वे आप खुद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपका सेफ गुणांक क्या होगा, आप गलत फहमी मत रहिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल पर पहले कमेंट करके बताया था कि हमारे 70 प्लस या 90-97 में दोस्तों पास होने वाले छात्रों की संख्या का जो परसेंटेज आया था वो हमारा आया था 70% से अधिक बच्चे कमेंट किए थे कि हमारा जो पासिंग मार्क है वो 90-97 से अधिक है। उसी के बाद दोस्तों हमने आपको बता पाए थे कि जो तादाद आपकी होगी 69,000 में पास होने वाले अभ्यर्थियों की वो तकरीबन 1.5 लाख तक हो सकती है। ठीक है ना, तो अब इसको जरा हम समझेंगे। जनरल में दोस्तों जो हमारा सेफ गुणांक जाएगा वो 65, जी हाँ 65 प्लस हो गया, और 65 प्लस से लेकर 75 प्लस तक जा सकता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी की सीट्स लें,
उसके बाद दोस्तों ओबीसी में क्या होगा, देखिए जब बच्चे जनरल में चले जाएंगे तो क्या ओबीसी में कट ऑफ कम होगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ओबीसी की कट ऑफ मान के चलिएगा यहाँ पर भी 65+ से शुरू होगी और 75+ या दोस्तों इसकी कट ऑफ 80 को टच कर सकती है। जनरल की भी दोस्तों जो कट ऑफ है आपकी 75+ से लेकर 80 तक जा सकती है। एससी में क्या होगा, देखिए एससी में दोस्तों आपकी 60 से कट ऑफ शुरू होगी और 70+ पर जाके खत्म होगी। एसटी में दोस्तों खाली आप पास हो जाइए भैया नौकरी लेके जाइए, एक्स सर्विस में पास हो जाइए नौकरी ले जाइए, फिजिकल हैंडीकैप में पास होइए नौकरी लीजिए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पास होइए नौकरी लीजिए। तो खाली दोस्तों यहाँ पर दिक्कत सबसे ज्यादा ओबीसी और जनरल में होने वाली है। एससी में देखिए कंपटीशन रहेगा, अगर एससी के छात्र ओवरलैप कर जाते हैं जनरल के साथ तो दोस्तों एससी के सभी छात्रों को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जरा देखिए यहाँ पर एससी में जो छात्र पास हो रहे हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन तकरीबन 224,000 है, लेकिन दोस्तों एससी के पास जो सीट्स होंगी आरक्षित वर्गों में वो 10,000 से अधिक होंगी। ठीक है, तो 10,000 से दोस्तों अधिक सीट्स है, मतलब 14,000 बच्चे जनरल में अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो एससी कैटेगरी के 100% छात्रों को नौकरी मिलेगी। वैसे दोस्तों एसटी में बात करें या तो सभी छात्र ऑटोमेटिक नौकरी ले जाएंगे क्योंकि सिर्फ 270 पास हो रहे हैं एसटी से। तो ये सब चीजें दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो जनरल के छात्रों के यहाँ पर नुकसान कुछ नहीं होने वाला। हाँ, नुकसान सिर्फ उन छात्रों से होगा जो ओबीसी एससी और एसटी के टॉपर्स होंगे, ठीक है ना, मतलब जिन्होंने अपने आरक्षण का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई यूज नहीं किया होगा, सिर्फ दोस्तों वही बच्चे जनरल की सीट्स ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने आरक्षण का यूज कर लिया है, जहाँ अगर आपने एज लिमिट में आरक्षण यूज कर लिया या दोस्तों किसी भी स्टेज में भर्ती प्रक्रिया का दोस्तों अगर हम सुपर टेट को अगर हम पहला स्टेज मानते हैं, ठीक है ना, तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ये पहला स्टेज है तो अगर आपने आरक्षण का यूज करके मतलब पास होते हैं, जैसे आप 90-97 पर आपका रिजल्ट आया, लेकिन दोस्तों अगर आप 90 पर पास होते हैं तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। अगर दोस्तों आपने पहले स्टेज में आरक्षण का यूज कर लिया तो डेफिनेटली आप अंतिम स्टेज में दोस्तों या जिसको हम कहते हैं जब आपका गुणांक बनेगा तब इसका यूज आप करके जनरल की सीट्स नहीं ले पाएंगे। आरक्षण का यूज करने के बाद दोस्तों आप एक आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी तक अपने आरक्षण का यूज नहीं किए, जैसे दोस्तों हो सकता है काफी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के ही होंगे जो 97 नंबर पा रहे होंगे या 110 नंबर पा रहे होंगे, 120 नंबर पा रहे होंगे, उन्होंने अभी तक अपने आरक्षण का यूज नहीं किया है, वो बच्चे जनरल की एक अच्छी खासी सीट्स लेंगे और उसके बाद दोस्तों अपने ओबीसी भाई बहनों का भला करेंगे, या दोस्तों उनसे उसका फायदा भी होगा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, और जनरल के छात्रों को हमको लग रहा है यहाँ पर फायदा ज्यादा मिलेगा क्योंकि ओबीसी के सभी बच्चे 97 के ऊपर लाना मुश्किल होगा। देखते हैं क्या होता है, बाकी अपडेट्स दोस्तों हम देंगे। बाकी आप आरक्षण के नियम्स को दोस्तों गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं और कुछ अपडेट्स आती है तो हम आपको देंगे। फिलहाल दोस्तों पीएनपी का वेट करते हैं कि आरक्षण के दोस्तों जो नियम है उसको वो डिफाइन जल्द से जल्द करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।